नमस्कार जैन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको किसी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए कैलेंडर कैसे बनाना है। तो ये आप सैंपल देख सकते हैं, ये हमने घर पर तैयार किया है। इसमें ऊपर राम दरबार है और नीचे हमने ये जनसेवा केंद्र का एडवर्टाइजमेंट किया है। तो आप इसमें स्ट्रिप भी अपने हिसाब से चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। A4 साइड पर जो हमने इसको तैयार किया है, A4 साइज है, इससे आप बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ी साइज में आपको जो फोटो पेपर है या फिर इसको कहें कि ग्लॉसी पेपर, वो आपको मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इस वजह से हमने इसको A4 साइज पर प्रिंट करके फिर इसको बाद में लेमिनेट किया है। चलिए हम समझते हैं किस तरीके से हमने 1x1 स्टेप बाय स्टेप इसको हमने तैयार किया है। तो सबसे पहले हमने पेपर का एक बंडल लिया था जो कि 50 सीट का आता है। चलिए मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो ग्लॉसी पेपर है ये, यानी कि चिकना वाला पेपर आता है वाइट कलर का। उस पर एक कोटिंग होती है विशेष तरीके की जिस पर कलर फैलता नहीं है और स्मूथ प्रिंटिंग हमें देता है। ये कोरल कंपनी की सीट थी हमारे पास में, कई कंपनियां इसको बनाती हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आती हैं और सबसे सस्ता वाला हमने इसमें यूज किया था क्योंकि हमें ये निःशुल्क वितरण करना है एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो एडवर्टोरियल जो पर्पजेज होते हैं उसके लिए हम सस्ते वाले पेपर का यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी रख के हमें इसको कोई बड़ी फ्रेमिंग नहीं करना है, इस वजह से हम इसको सस्ती क्वालिटी में रखेंगे। इसके बैक साइड में हम देख लेते हैं किस तरीके का है। ये आप देख सकते हैं A4 साइज सीट है, इसका विवरण आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम देखते हैं कि ये सीट देखने में कैसी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके की ये सीट है हमारे पास में। तो इस तरीके की सीट, एक तरफ से ये चिकनी होती है और दूसरी तरफ से ये खुरदरी होती है। तो जिस तरीके से ये चिकनी होगी उसी साइड से हम इसको ऊपर की तरफ करते हुए प्रिंटर के अंदर डालेंगे। किस तरीके से डालना है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा प्रिंटर है, तो प्रिंटर में ये ऊपर वाला इनपुट ट्रे जो होती है, यहाँ से हम इसको इस तरीके से इन कर देंगे और ये जो दोनों तरीके का दोनों साइड में ये मार्जिन है इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, ये अंदर की तरफ खिसका देंगे ताकि ये दोनों साइड से एडजस्ट हो जाए। एक साइड से भी खिसकाएंगे तो भी ये दूसरी साइड से ऑटोमेटिक खिसक जाएगा और यदि आप इसको खींचते हैं तो दोनों साइड से ये बाहर निकलता है। अभी ये बाहर कर दिया हमने इसको, अभी इसको हमने एडजस्ट करके दबा दिया है। इस ऊपर के अपर लिड को भी हम बंद कर देते हैं। अब बारी आती है प्रिंटिंग की, तो सबसे पहले हम चलते हैं फोटोशॉप पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने एक मैटर लिया है, इसमें हमने ऊपर का पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने अलग से ऐड किया है, नीचे वाले पोर्शन को हमने अलग से ऐड किया है। इसके बाद में हमने बीच में एक कलर फिल कर दिया है, कोई भी इसमें चीज़ अगर आती है, कोई भी वाटर मार्क अगर दिखता है तो इसको हम कवर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें बॉर्डर भी दे सकते हैं, हमने थोड़ा सा मार्जिन चारों तरफ दे दिया है ताकि एक वाइट बॉर्डर ऑटोमेटिक बन जाए और इसमें हमारा अलग से कलर इस्तेमाल ना हो। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हमने इसमें पिंक कलर दिया है और यहाँ पर हमने लोगो भी दे दिया है, एक हमने यहाँ पर लोगो दिया है। लोगो के बाद में हमने नीचे एक जो हमने बैनर बनवाया था उसका हमने JPG हाई क्वालिटी में जो हमारे पास इमेज थी उसको भी हमने ऐड किया है। इसके बाद दोनों इमेजेस, इसमें कई सारी इमेजेस को मर्ज किया गया है, मेनली इसमें दो इमेजेस हैं, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट और एक इसका मिडिल पार्ट हम कह सकते हैं। मिडिल पार्ट में हमने अपना लोगो दिया है। लोगो के स्थान पर आप जो भी चीज रखना चाहें आप उसको दे सकते हैं, फोटो भी हो सकती है या फिर आपका कोई यहाँ पर नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद में हम इसको सिंपली प्रिंट देते हैं। प्रिंट के लिए हमें क्या करना है, Ctrl+P करेंगे या फिर यहाँ पर हम फाइल पर जाकर प्रिंट का ऑप्शन दे देंगे। ये नीचे की तरफ प्रिंट का ऑप्शन है, इसको हम देंगे और ये प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में हम यहाँ पर A4 सिलेक्ट रहने देंगे। यहाँ पर आप पोर्ट्रेट ही रखेंगे क्योंकि आपका सीधा पेज निकलेगा। यहाँ पर प्लेन पेपर की जगह आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फोटो ग्लॉसी पेपर। यहाँ पर स्टैंडर्ड या हाई में आपको ये प्रिंट देना है। ध्यान रखिए ड्राफ्ट में आप देंगे तो पिक्चर क्वालिटी खराब हो जाएगी लेकिन आपका प्रिंटर जो है इंक को कम इस्तेमाल करेगा। इसके बाद में स्टैंडर्ड में मीडियम क्वालिटी का ये प्रिंट देगा और मीडियम लेवल पर ही ये आपकी इंक को इस्तेमाल करेगा। हाई क्वालिटी में आपकी इंक का खपत ज़्यादा होगा लेकिन पिक्चर क्वालिटी बहुत शानदार आएगी। मैं रिकमेंड करता हूँ, रिकमेंड ये है कि स्टैंडर्ड पर आप दे सकते हैं एडवर्टोरियल के लिए और हाई पर आप तब देते हैं जब आपका कोई पर्सनल मैटर होता है प्रिंटिंग के लिए या फिर आपकी कोई घर की फोटो होती है तब आप हाई पर देते हैं। ग्राहकों के लिए कोई भी काम होता है तो ज़्यादातर स्टैंडर्ड पर ही लोग प्रेफर करते हैं। चलिए इसको हम स्टैंडर्ड पर रहने देते हैं। यहाँ पर आपको कलर को बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप क्वांटिटी चुन लेंगे, कितने पेजेस आपको एक बार में प्रिंट करने हैं। एक बार में आप 50 प्रिंट भी दे सकते हैं जैसा कि मैंने एप्सन L3252 के लिए इस्तेमाल करके देखा है, 50 एक बार में ले लेता है। पेपर की थिकनेस के हिसाब से, जो हमारा पेपर है पेपर की थिकनेस हमारी है इसमें
इसका जो है डीपीआई भी लिखा है 5760 डीपीआई 210 इंटू 297 एमएम डाई इंक है। अभी इसमें थिकनेस कोई भी मेंशन नहीं है, तो इसमें थिकनेस बता पाना थोड़ा सा कठिन है। ओके, इसमें थिकनेस नहीं दी गई है, तो हम इसको सिंपली यहां से और कुछ करना नहीं है। यहां क्वांटिटी आप ध्यान से दीजिए, जितने आप पेपर ट्रे में पेपर फिल करते हैं उतनी इसमें आप क्वांटिटी की कॉपीज इसमें बढ़ा के इंक्रीज या डिक्रीज करके आप इसमें सिंपली ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद यहां पर भी ओके कर देंगे, जितनी आप वहां पर कॉपीज भरेंगे इतनी यहां पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। और ओके करेंगे तो आपका प्रिंटर जॉब ले लेगा और जॉब को कंप्लीट करने में लग जाएगा। स्पीड भी डिपेंड करती है, ड्राफ्ट में स्पीड ज्यादा होती है, स्टैंडर्ड में मीडियम होती है, और आपकी हाई क्वालिटी में स्पीड प्रिंटर की कम हो जाती है, क्योंकि उसमें जो डीपीआई होता है वो पिक्सल्स बढ़ जाते हैं, और अच्छी क्वालिटी के लिए उसकी फिलिंग जो पेपर पर वो इंक स्प्रे करता है वो बहुत घनी होती है और स्पीड इसलिए कम हो जाती है। इसको हम अभी ओपन नहीं कर रहे हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये मैंने बताने के लिए इस तरीके से आपको पूरा इसका प्रैक्टिकल है। इसके बाद प्रिंट होने के बाद सिंपल हमारे पास में एक सीट आ जाती है। सीट पर हम A4 साइज का जो लेमिनेट पेपर होता है, लेमिनेटिंग पाउच होता है, उसको हम ऊपर से रैप करके लेमिनेटर में डाल देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इस तरीके का हमारे पास में रेस्टोन कंपनी का लेमिनेटिंग फिल्म या फिर लेमिनेटिंग पाउच हम इसको कह सकते हैं, या लेमिनेटिंग सीट भी हम इसको कह सकते हैं, ये हमारे पास में है। तो इस पर हमने प्रिंट दिया था। एक पाउच में आपको निकाल के दिखा देता हूँ किस तरीके का ये पाउच रहता है। ये हमारा पाउच रहता है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, इसमें गम जो है काफ़ी अच्छी रहती है, तो ये आसानी से निकलता नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट निकलता है। तो इस तरीके का आपका आउटपुट निकल करके आता है, और ये आपकी सीट कंप्लीट बन करके इस तरीके की आती है बाहर। और ये जब बन जाए कंप्लीट इंस्टेंट ड्राई हो जाती है, कोई इसमें उस तरीके का रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना है, पेपर पंचिंग मशीन ले करके इसमें पंच कर देना है डबल वाली, तो डबल होल वाली पंचिंग मशीन से इसको पंच करेंगे। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से। तो ये हमारे पास में दोनों पंचिंग मशीन है, एक सिंगल वाली है एक डबल वाली है। ये सिंगल करना है अगर आपको, तो सिंगल में थोड़ी सी मजबूती कम रहती है इसलिए हमने इसको प्रेफर नहीं किया, डबल वाली को हमने प्रेफरेंस दिया है। सिंगल वाली में क्या होता है कि आप इसको बीच में करेंगे तो जैसे ये हैंगिंग के लिए जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा, हैंग करेगा, और फैन वगैरह की हवा के कारण ये टूटने का डर रहता है, बार बार हिलेगा, खटखट की आवाज़ करेगा, इस वजह से हमने इसको प्रेफरेंस नहीं दिया। और आपका धागा लगाने में आपको दिक्कत हो सकती है, इस वजह से हमने इसमें डबल पंचिंग मशीन का यूज किया है, कंगारू कंपनी की थी, जो कि इसका आप देख सकते हैं DP280 इसका मॉडल नंबर है। तो इस तरीके से हमने इसको सेंटर में लिया है। सेंटर कैसे मिलाते हैं आपको पता होना चाहिए, इसके बीच में एक मार्क होता है, जैसा आप देख सकते हैं जहां पर कंगारू लिखा है इसके जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं एक मार्क है एरो का, उसको आप मिडिल में रखना है। जैसे कि यहां पर हमने देखा राम दरबार में इसका ये सन पॉइंट है, इस सन पॉइंट पर आपको मिडिल करके आपको ये दबा देना है। इस तरीके से ये अंदर जाएगा, ये सीट अंदर जाएगी इधर से, ये अंदर जाने के बाद में आप सेंटर में लाएंगे और इसको ऊपर से इस तरीके से ये आप प्रेस कर देंगे, ये प्रेस हो जाएगा तो ये खट से एक बार में प्रेस करके ये होल्ड कर देगा दोनों। तो ये होल्ड होने के बाद में आपको इसके अंदर टैग डालना है। टैग किस तरीके से डलेगा, ये आपके होल हो गए हैं, इसमें इस तरीके से टैग डाल देंगे आप, ये इस तरीके से फंस जाएगा और ये बाहर आसानी से नहीं निकलेगा। अब इसको हम टांगे देखते हैं इस तरीके से, ये हम इसको खींचते हैं ना तो ये बाहर नहीं आता है, इस तरीके से टांगते हैं तो ये आसानी से टंग जाता है, आसानी से टंग जाता है और ये थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, क्योंकि इसका जो लोड है, लोड दोनों होल्स पर ये इक्वली ट्रांसफर हो गया है, अभी आसानी से टूटेगा नहीं और लॉन्ग लास्टिंग हो गया है। अभी सिंगल साइड प्रिंटिंग का हमने देखा मैटर, अब हम डबल साइडिंग का मैटर देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने इसमें डबल साइड प्रिंटिंग करी है, क्योंकि ये हमारा एक अच्छा वाला करेंडर था, अपने लिए ही डिजाइन हमने किया है और सैंपल के लिए भी है, तो इसमें डबल साइडिंग हमने की है। डबल साइड के लिए हमने ऊपर की तरफ में इसका कुछ हेडर दे दिया है, हेडर में हमने लिख दिया है तस्वीर का नाम लिख दिया है, कैलेंडर हो गया, इसमें कॉस्ट डाल दी है और ये डेट ऑफ प्रिंटिंग डाल दी है, तो पर पीस के हिसाब से हमने इसमें कॉस्ट दिया है और इसमें हमने किस ओकेजन पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी इसमें हमने दिया है। इसके बाद में किसकी तरफ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, निःशुल्क है, कैसा है, ये भी हमने इसमें मेंशन करके पीछे की साइड दिया है, ताकि इस पर कोई और कॉपीराइट क्लेम ना कर सके, क्योंकि हमारा खुद का है, खुद से ही हमने डिजाइन किया है। बाकी आप इसमें हिडन कुछ लोगोज भी लगा सकते हैं, वाटरमार्क भी लगा सकते हैं जो कि ज़्यादा विजिबल ना हो, तो हमने इसमें छोटा सा एक इस तरीके से हमने अपनी जो मोहर थी उसको PNG फाइल में अपलोड करके इसमें हमने टैग कर दिया है। दूर से देखने पर यह आसानी से विजिबल नहीं होता है, लेकिन काफ़ी डीप नज़र करने पर यह आसानी से दिख जाता है, तो ये सिक्योरिटी आपकी बढ़ा देता है, तो आप इसको आसानी से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और आई होप आपको पसंद आया होगा, ये कॉस्टली पड़ता है बट ये ड्यूरेबल रहता है, आप इसको ये वाटरप्रूफ हो जाता है, पानी में भी डालेंगे तो कोई इसमें आसानी से दिक्कत आने वाली नहीं है। ऊपर की साइड से होल में जब इसको किया गया है तो यहाँ से आप पानी थोड़ा सा बैठ सकता है इसमें, बस
ये थोड़ा सा ये वाला पोर्शन ऊपर का पानी से बचा रहा है, फिर कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। लगभग 5-10 साल आराम से ये चल जाएगा। यदि आपको ये कैलेंडर अच्छा लगा हो और आप हमें ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर दीजिए, अपना एड्रेस बताइए, क्वांटिटी बताइए, फोटोज वगैरह हमें भेजिए, हम तैयार करके आपको बाई पोस्ट या कुरियर के माध्यम से हम आपको डिलीवर कर देंगे। इसके लिए हमें क्वांटिटी के हिसाब से टाइम चाहिए होगा, तो ये प्रिंटिंग वर्क भी हमारे यहाँ हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये यूनिक वर्क है और कहीं पर भी यूट्यूब पर आपको इस तरीके का कैलेंडर डिजाइन नहीं मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।